Hello student, this is Sanjeev Shah, your online tutor. I'm welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is our today's topic is retina, that is inner nervous coat of eye. तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले लेसन को आप वीडियो लेसन को अच्छी तरह देखें, देख पाइएगा, तभी आप इस चीज़ को या इस लेसन को आप समझ पाइएगा, वरना आप समझ नहीं पाइएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाला जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन है उस टॉपिक को आप देखें, देन इस टॉपिक को देखें, तब आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले टॉपिक में हमने कोट या जो लेयर ऑफ आई था उसके तीन पार्ट, जिसमें से रेटिना एक पार्ट है, और हमने दो पार्ट को पहले कवर कर लिया है पहले वाले क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, दैट इज आउटर और फाइब्रस कोट, मिडिल एंड वास्कुलर कोट, और तीसरा जो बताया है वो रेटिना, दैट इज इनर और नर्वस कोट। तो आपको अगर ये समझना है, जानना है, इसके डिटेल करना है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अगर जानना है तो पहले आप इसके पहले वाला जो लेसन है, जो वीडियो है, उसको आप देखिए और तब इस वीडियो को देखिए, देन यू विल मेक अंडरस्टैंड। ओके, चलिए तो हम पढ़ते हैं इनर नर्वस कोट्स के बारे में। ये इसका लोकेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और इस पर कौन कौन से स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, रेटिना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई, ह्यूमन आई। एज यू सी, दैट इज द रेटिना। ये आप, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, यहाँ पे आपको तीन लेयर दिख रहा होगा, एक वाइट सबसे आउटर मोस्ट, राइट, उसके बाद मिडल में एक रेड कलर का दिख रहा है, और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या इनर लाइनिंग दिख रहा है आपको, सबसे इनर लेयर, दैट इज द इनर नर्वस कोट्स और रेटिना। एज यू सी, क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कहाँ रेटिना रहता है। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन रेटिना। तो रेटिना आ इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे आउटर और मिडल लेयर, वो क्या था, लाइट सेंसिटिव नहीं था, तो दैट इज द लेयर विच इज़ लाइट सेंसिटिव लेयर। तो सबसे अंदर वाला लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ लेयर दैट लाइंस द इंटीरियर ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। क्लियर, किसे कहेंगे रेटिना, तो इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर दैट लाइंस द इंटीरियर ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। तो सबसे इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर, तीन लेयर में से सबसे इनर मोस्ट लेयर जो रहता है, जो एकदम इनर लाइन बना रहा है या इंटीरियर लाइन बनाता है आइज़ का, ह्यूमन आइज़ का या आई बॉल का, उसे हम, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ गया कि अगले जो जो इसके ऊपर जो दो लेयर थे, दैट इज़ आउटर और फाइब्रस, या फिर मिडिल और वास्कुलर कोट, तो उसे ये किस तरह से डिफरेंसेस है कि ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है। चलिए लोकेशन, तो लोकेशन जैसे आप देख ही रहे हो कि इट इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई बॉल, या आई बॉल का पोस्टीरियर मतलब पीछे, एकदम पीछे की तरफ सिचुएटेड है। कहाँ, बिटवीन द कोरॉइड एंड द विटेरियस ह्यूमर ऑफ द आई। तो कोरॉइड मतलब सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर में पाया जाता है कोरॉइड, सिलियरी बॉडीज में बताया था, याद ही होगा आपको। तो रेड कलर का जो है वो कोरॉइड होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज़ कोरॉइड, यहाँ पे सिलियरी बॉडी है, ठीक है, और आयरिस तो आपको दिख ही रहा है, दैट इज़ आयरिस, ठीक है। तो इसके, और यहाँ पे देखिए ये कैरो, देखिए ये नीचे है, इसको देख लीजिएगा, मैं हटा देता हूँ, समझ में आएगा, ये देखिए विट्रस बॉडी, राइट। तो इनके बीच जो लेयर पाया जाता है उस लेयर, ये इसका लोकेशन है रेटिना का, ठीक है, रेटिना यहाँ लोकेटेड है। तो इट इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई बॉल बिटवीन द कोरॉइड एंड विटेरियस ह्यूमर ऑफ आई। क्लियर बच्चों, नाउ इट हैज़ टू पार्ट्स। रेटिना के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, नंबर वन इज रॉड और दूसरा जो है वो कोन सेल है, दिख नहीं रहा आपको, मैं लिख देता हूँ कोन, सी ओ एन ई, कोन सेल, एक रॉड सेल और दूसरा कोन सेल।
तो रेटिना बेसिकली किससे बना हुआ है? रेटिना इज मेड अप ऑफ कोन, एक है कोन और दूसरा है रॉड, ठीक है, दैट इज कोन सेल और रॉड सेल। और इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट भी पाए जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम जान रहे कि रेटिना जो बना हुआ है कोन और रॉड से वो कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रेड सेल्स सॉरी रॉड सेल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इन द पेरीफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना। ये रेटिना के पेरीफेरल पार्ट, ये जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना इसमें, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट रेटिना का, ये पेरीफेरल पार्ट में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? रॉड से बने हुआ है, रॉड सेल से, ठीक है। और एकदम सेंट्रल अगर आप देखोगे इसका, अगर सेंट्रल देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे रेटिना के सेंटर में यहाँ पे कोन बनता है, क्या पाया जाता है यहाँ पे? ये कोन पाया जाता है। और पेरीफेरल साइड में क्या पाया जाता है? रॉड सेल्स पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो रेटिना जो बना है इन्हीं दो चीज़ से बना हुआ है, क्लियर। चलिए अब इसको अच्छी तरह समझते हैं, डिफाइन करते हैं। आप इसको पॉज करके भी नोट बना सकते हैं। और बच्चों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो मैं लिख नहीं पाता हूँ तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। तो आप लोग जब पढ़ने बैठोगे या नोट्स बनाने बैठोगे तो पॉज करके आप उस चीज़ को लिख लिया करो, तो दैट विल बी हेल्प यू। और ऐसा नोट जो बनेगा तो उसके लिए आपका पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, जो मैं कभी कभी बोल देता हूँ, जो बातें बोलता हूँ उसको नोट्स भी कर लिया करो, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ कोन और व्हाट इज़ रॉड, डिफाइन कैसे करेंगे। एज यू सी दैट इज़ रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स बेसिकली कैसे शेप होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? रॉड सेल्स आर बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप। सिलेंडर आपको पता है सिलेंडर शेप कैसा होता है, सिलेंडर टाइप का। लाइट सेल्स, द सिलिंड्रिकल शेप लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर होते हैं ये, और ये बेसिकली मॉडिफाइड न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो रेड सेल्स क्या है, समझ में आ रहा है? रॉड सेल्स, रॉड सेल्स बेसिकली मॉडिफाइड न्यूरॉन सेल्स रहते हैं जो सिलिंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव भी होते हैं, आर कॉल्ड रॉड सेल्स, राइट। तो हाउ वी डिफाइन रॉड सेल्स? द सिलिंड्रिकल शेप लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर विच मॉडिफाइड न्यूरॉन सेल्स आर कॉल्ड रेड सेल्स, ओके, सॉरी रॉड सेल्स। और अभी जैसे मैंने बताया था, इट इज़ मोस्टली फाउंड, लोकेशन कहाँ है इसका? इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन द पेरीफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना। एक डिसलाइक रेटिना का एक डिसलाइक स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया था पीछे, तो वो जो पूरा पार्ट है, पेरीफेरल पार्ट है रेटिना का, उसमें ज़्यादातर जो बना हुआ है वो रॉड सेल से कम्पोज है। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलियन रॉड सेल्स पाए जाते हैं। समझ लो बच्चों कितने रॉड सेल्स पाए जाते हैं एक ह्यूमन आई के रेटिना में। देर 125 मिलियन रॉड सेल्स आर प्रेजेंट, ओके। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? तो रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट विजन, मतलब कम रोशनी जहाँ रहती है वहाँ हम देख पाते हैं, किसकी वजह से? तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉड सेल्स। और दूसरा पेरीफेरल विजन, आसपास के आसपास हम आसपास जो देख पाते हैं, ठीक है, तो पेरीफेरल विजन और डिम लाइट विजन के लिए जो हेल्प करता है या जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, दैट इज़ रॉड सेल्स। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ रॉड सेल्स, व्हाट इज़ लोकेशन ऑफ द रॉड सेल्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रॉड सेल्स, ओके। वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आवर कोन सेल। चलिए देखते हैं कोन सेल्स क्या है। एज यू सी बच्चों, दैट इज कोन सेल्स। हाउ वी डिफाइन कोन सेल्स? नाउ द पिरामिडल शेप्ड लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर, तो दोनों ही, चाहे वो कोन सेल हो, राइट, या फिर इसके पहले जो हम पढ़े थे क्या, रॉड सेल्स, तो बोथ आर फोटो या लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर मॉडिफाइड न्यूरॉन, दोनों ही मॉडिफाइड न्यूरॉन सेल्स हैं,
कैसे, इसका काम क्या है, लाइट से ये सेंसिटिव, लाइट को सेंसिटिव होते हैं और किसी चीज़ को ये सेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कौन सेल जो है वो पिरामिडल शेप था और रॉड सेल जो था वो सिलिंड्रिकल शेप था, क्लियर हो रहा है। तो हाउ वी डिफाइन द पिरामिडल शेप्ड लाइट सेंसिटिव फोटोरिसेप्टर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स आर कॉल्ड कौन सेल्स, सिंपल। तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हो कि कौन सेल और आई मीन रॉड सेल्स का क्या डिफरेंसेस है, यू कैन राइट। चलिए ये लास्ट में होमवर्क रहेगा, आप लोगों को होमवर्क कर लीजिएगा। उसके बाद इट इज़ मोस्टली फाउंड एट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना, रेटिना जो था राइट ऐसे इनर लेयर, तो सेंट्रल पोर्शन में जो है, जो मैं बता रहा था सेंट्रल पोर्शन में क्या मिलता है, ये कौन सेल पाया जाता है, सेंट्रल पोर्शन में रहता है, और इसके बचे हुए जो पेरिफेरल पार्ट थे उसमें कौन था, रॉड सेल्स, क्लियर हो रहा है, यस। तो दे आर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 million कौन सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, ये जो ह्यूमन आई ये मिडल में जो पाया जाता है इस कौन सेल्स में, इसमें लगभग 6 to 7 million कौन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कौन सेल्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट विजन, जहाँ बहुत तेज़ रोशनी रहती है वहाँ पे भी देखने में हमें जो मदद करता है, किसकी मदद से देख सकते हैं, कौन सेल की वजह से, शार्प विजन, बहुत तेज़ से कोई चीज़ भाग रहा है, ठीक है, उसको हम जैसे देख पाते हैं कोई उड़ती हुई चिड़िया को, उड़ते हुए प्लेन को, ठीक है, जो शार्प बहुत तेज चल जा रहा है उसको हम कैसे विजुलाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कौन सेल्स। और जो इम्पॉर्टेंट है वो कलर डिस्टिंग्विश्ड विजन, आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, ये देखिए आप लोगों को पता चलेगा, ये देखिए ये रेड कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लाइन से ये नीचे देखिए तो यहाँ पे कलर आपको डिस्टिंग्विश हो रहा है, राइट, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई रेड है, तो ये जो कलर आपको दिख रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कलर डिस्टिंग्विश हो रहा है, जो हम पता कर रहे हैं कि कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है, कौन सा ग्रीन है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर व्हाट, कौन सेल, अगर रेटिना में ये कौन सेल नहीं रहता तो वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर, राइट, चूंकि ये हमारे आँखों में ही पाया जाता है इसीलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे पक्षी हैं, जानवर हैं, जिसके रेटिना में ये कौन सेल नहीं पाए जाते हैं, तो सब कुछ उन्हें ब्लैक दिखता है या दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कलर, उनको सब कलर एक ही जैसा लगता है या ब्लैक कलर को देखते हैं। तो थैंक्सफुल द गॉड, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि हम इतने अच्छे वर्ल्ड को देख सकते हैं, रंगीन दुनिया को देख सकते हैं, ओनली फॉर कौन सेल्स, क्लियर बच्चों, इंटरेस्टिंग वीडियो है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नाउ इसके बाद तो ये हो गया हमारा कौन सेल्स का डेफिनेशन, उसका लोकेशन और फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हो कि कुछ डिफरेंशिएट भी कर लो, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कौन सेल एंड रॉड सेल्स। चलिए और एक टर्म आता है, दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट अडेप्टेशन, तो लाइट अडेप्टेशन होता क्या है, तो लाइट अडेप्टेशन बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट इज नोन एज लाइट अडेप्टेशन, यानी जब हम ब्राइट लाइट में रहते हैं तो डिम लाइट में जाके देख पाते हैं, डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जब जाते हैं तो वो एडजस्टमेंट जो होता है ना। कुछ बच्चे का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी क्लियर होगा आज, कि जब हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो क्यों हम थोड़ी देर के लिए कुछ देख नहीं पाते हैं, है ना, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, तो वो एडजस्टमेंट जो होता है विजन का, ब्राइट लाइट टू डिम लाइट एंड डिम लाइट टू ब्राइट लाइट, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइट अडेप्टेशन, क्लियर बच्चों। चलिए तो दैट इज बेसिकली द रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ अब आपको मैं बता दूं कि ये रेटिना में रॉड सेल्स और ब्लैक सॉरी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स पाए जाने के अलावा भी दो इम्पॉर्टेंट स्पॉट है, जिसे हम येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं।
तो वो कहाँ पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। लेट्स सी। तो एज यू सी बच्चों, येलो स्पॉट को फोविया भी कहते हैं। एज यू सी, ये देखो ये फोविया, दिस इज़ द पार्ट, ये वाला थोड़ा सा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया है, भीतर की तरफ, दैट इज कॉल्ड येलो स्पॉट और फोविया। ओके, चलो तो इसको जानते हैं, डिफाइन करते हैं कि हाउ वी डिफाइन फोविया और येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट और फोविया एक ही चीज़ है। द पर्टिकुलर एरिया ऑन द रेटिना, रेटिना की पर्टिकुलर एरिया विच लाई एट द बैक ऑफ द आई, जो कि ये आई के बैक में, देखिए ये आई है, आई के पूरे बैक में लाई करता है। एंड ऑलमोस्ट एट द सेंट्रल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल, मतलब यहाँ से अगर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, तो पूरा सेंटर में पाया जाता है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो आई बॉल को जब इक्वल डिवाइड में करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो उस पोजिशन, उस एरिया में, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, येलो स्पॉट के नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं पता करते हैं, समझ में आया आप लोगों को। द पर्टिकुलर एरिया ऑन रेटिना, येलो स्पॉट कहाँ पाया जाता है, येलो स्पॉट पाया जाता है रेटिना पे, ठीक है, रेटिना जो लेयर है उस पे जो स्पॉट पाया जाता है फोविया या येलो स्पॉट कहते हैं। तो हाउ वी डिफाइन येलो स्पॉट, द पर्टिकुलर एरिया ऑन द रेटिना विच लाई एट द बैक ऑफ द आई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई इज कॉल्ड येलो स्पॉट। और इसे क्या कहते हैं, इट इज़ कंसीडर द एरिया ऑफ आई फॉर द वेस्ट विजन। ये जो फोविया है, फोविया जो है, ये जो एरिया है, ये हमारा आई के लिए वेस्ट विजन, यही हमें वेस्ट विजन दिखाई देता है। कोई चीज़ को हम बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो दूर का चीज़ हो, पास का चीज़ हो, कलर हो, जो कुछ भी हम देख पाते हैं, तो किसकी वजह से, येलो स्पॉट की वजह से, क्योंकि येलो स्पॉट जैसे मैंने बताया था, देखिए सेंट्रल पोजीशन है, तो यहीं पे जो कोन सेल होते हैं, इसी फोविया से, फोविया के अंदर सारे कोन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नोट्स में डाल सकते हो कि इट इज़ कंसीडर द एरिया ऑफ द आई फॉर वेस्ट विजन। तो विच इज़ कंसीडर द एरिया ऑफ द आईज फॉर द वेस्ट विजन, विच पार्ट या विच स्पॉट, तो येलो स्पॉट। वाई, बिकॉज, कारण क्या होगा, बिकॉज कौन सेल्स, रॉड सेल कौन सेल पड़े थे, तो यही सेंटर में रहता ना, यही सेंटर में वो था, ठीक है, फोविया ये जो है, ये पोजीशन में ही क्या था, कौन सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सेल रहते हैं वो डेंसली पैक्ड रहते हैं, कौन सेल यहाँ पे डेंसली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से कि बेस्ट विजन, इसके सहायता से हम बेस्ट विजन कर पाते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये हो गया हमारा येलो स्पॉट या फोविया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ये जो यहाँ पे एकदम, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी डिफाइन ब्लाइंड स्पॉट, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये देखो ये ऑप्टिक नर्व जा रहा है, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ये जो रेटिना था, ठीक है, रेटिना देखिए, ये रेटिना, इधर से ये रेटिना जा रहा है, ठीक है, तो इधर से ये रेटिना है, इधर से ऑप्टिक नर्व है। तो यहाँ पे जो जंक्शन है ऑप्टिक नर्व और रेटिना का, उस जंक्शन को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों कहते हैं पता करते हैं। तो एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व इन रेटिना जस्ट बिलो द येलो स्पॉट, यहाँ पे येलो स्पॉट था, है ना, पढ़े थे अभी, तो जस्ट बिलो द येलो स्पॉट इन द आई बॉल देर इज़ नो सेंसरी नर्व सेल्स, ना तो यहाँ पे कोई कौन सेल पाया जाता है, ना ही यहाँ पे कोई रॉड सेल्स पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से देर इज़ नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहाँ रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे कोई भी नर्व नहीं, सॉरी कोई भी नर्व्स या सेंसरी नर्व नहीं रहते हैं, या तो कौन सेल या रॉड सेल्स नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई विजन नहीं हो पाता है, और यही स्पॉट को, इट इज़ द टर्म एज द ब्लाइंड स्पॉट, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ब्लाइंड स्पॉट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल्स
नहीं पाए जाते हैं, ना ही कोई कॉन सेल्स होता है, ना ही कोई रॉड सेल्स रहता है। तो लाइट आके भी यहाँ से अगर लाइट आता है तो यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी फोटो रिसेप्टर या सेंसरी नर्व सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई ब्लाइंड स्पॉट देर इज़ नो पॉसिबल विजन। तो ब्लाइंड स्पॉट पे पॉसिबल विजन क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण यही है कि देर इज़ नो सेंसरी नर्व्स, और वी कैन से देर इज़ नो कोन और रिसल प्रेजेंट एट दैट स्पॉट। ओके, तो दैट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, और इट इज़ द एरिया ऑफ द रेटिना ऑफ द आई फॉर नो विजन। तो नो विजन एरिया कौन सा है रेटिना पे, ये भी एक क्वेश्चन है। विच इज़ नेम द नो विजन, नेम द एरिया, नेम द एरिया ऑफ रेटिना ऑफ द आई फॉर नो विजन, तो क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? तो दिस आर द क्वेश्चंस यू हैव टू मेक इट योर होमवर्क्स। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट, और हम इस तरह से थर्ड पार्ट को, थर्ड लेयर को कवर करते हैं। तो बेसिकली ये सारे चीज़ थे, और जो मैं सेकेंड पार्ट का भूल गया था, आयरिश के साथ पीपल था, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो आई होप आपको पहले ये सब थर्ड पार्ट का जो नर्वस कोड था, जो रेटिना था, उसका सारे कंपोजिशन, डेफिनेशन, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, सारे आपको समझ में आ गए, राइट? चलिए, तो वो जो बचा हुआ था वो पार्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि व्हाट इज प्यूपल। तो एज यू सी, प्यूपल क्या हो, क्या होता है पीपल? तो पीपल अ स्मॉल, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है पीपल, राइट? क्या है? अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस, है ना, ये तो आइरिस था, आइरिस का स्मॉल ओपनिंग है ये, यहाँ आइरिस दिख रहा है आपको, ये वाला दोनों तरफ आइरिस है, तो ये स्मॉल, दोनों के बीच में जो स्मॉल ओपनिंग है, दैट इज़ नोन एज पीपल। इट्स साइज इज़ कंट्रोल्ड, ये साइज़ बढ़ेगा घटेगा कैसे? देखिए ये आइरिस अगर बढ़ जाएगा, ये आइरिस अगर बढ़ जाएगा, राइट, देखिए यहाँ पे था, अब यहाँ से ये पूरा बढ़ गया, तो क्या होगा? कम लाइट पास करेगा यहाँ से, और ये ही अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये और छोटा हो गया मान लीजिए यहाँ पे, तो एरिया बड़ा हो गया, ये स्पेस हो गया, इतना स्पेस हो गया, राइट राइट। तो आइरिस जो है वो प्यूपिल से, प्यूपिल को कंट्रोल करता है कि उसका साइज़ कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा। इट्स साइज इज़ कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। क्लियर हुआ? फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर इनटू द आई, ठीक है, ये कंट्रोल करता है पीपल कि कितना लाइट जो है इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया से लाइट एंटर करता है, कॉर्निया से क्या होता है, लाइट एंटर करता है, राइट, लेकिन कितना पार्ट जाएगा वो डिपेंड करता है पीपल के ऊपर, ठीक है, और पीपल का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है आइरिस पे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर इनटू आई, ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट लाइट एंटर करेगा, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन था आप लोगों को, कुछ बच्चे ने क्वेश्चन किए थे कि सर क्यों ऐसा होता है कि जब हम अंधेरे से किसी डार्क रूम से उजाले में जाते हैं तो हमारा आई जो है क्लियर क्यों हो जाता है, या फिर मान लो जब अंधेरे से, उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो कोई थोड़ी देर के लिए कुछ देख क्यों नहीं पाते हैं, राइट? तो दैट इज़ द बेस्ट रीज़न, इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ आप लोगों को समझ में आए। तो ये देखिए, मैंने अभी बताया था आइरिस जो होता है ना, ये आइरिस और ये पीपल, देखिए ये इसका साइज़ बड़ा होगा, अभी मैं बता रहा था इसका साइज़ बड़ा होगा तो कम लाइट अंदर जाएगा, ठीक है, और इसका साइज़ अगर छोटा हो जाएगा, मान लीजिए इतना बड़ा है जितना दिख रहा है आपको, इसे अगर छोटा हो गया, इतना था, ठीक है, अब इसे छोटा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है दोनों तरफ, तो ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, तो उसी की वजह से क्या होता है, जब ये छोटा रहेगा तो अमाउंट, आप सोचिए जब ये छोटा, मान ये पोजिशन है, तो देखिए ये कितना है, कम है, इतना ही स्पेस है, तो इतना स्पेस से ही लाइट जा सकेगा, समझ में आया, तो कम लाइट जाएगा। अब मान लीजिए जब ये छोटा हो गया, ये आइरिस छोटा हो गया, यहाँ पे चला गया और ये छोटा हो गया, सिकुड़ सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है,
स्ट्रेचेबल है, पढ़ाया था यार इसमें, तो अभी ये पोजिशन ज़्यादा हो गया तो अब ज़्यादा लट जाएगा, है ना। तो यही लॉजिक यूज़ होता है जो हम आगे समझाएंगे कि अंधेरे में भी कैसे होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए देखते हैं वही क्वेश्चंस जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, चलिए तो हम उसको देखते हैं। एज यू सी दैट इज क्वेश्चन है, व्हाई आवर आईज ग्लेयर व्हेन वी केम आउट फ्रॉम डार्क प्लेसेस। मतलब जब हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं तो हमारा आँख ग्लेयर क्यों हो जाता है। ग्लेयर मतलब चौंधिया जाना, चमक जाना, ठीक है। तो इसलिए होता है, आप देख लीजिए जो समझाया हूँ वीडियोस में, अभी जो बताया था वो उसी का खेल है, सारे पीपल्स और आइरिस का खेल है। चलिए देखते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट इन डार्क प्लेस, जब डार्क प्लेस में या किसी डार्क रूम में हम लोग रहते हैं तो हमारे पीपल्स क्या रहते हैं, लार्ज रहते हैं, ठीक है। पीपल का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है, लार्ज रहता है। इसका मतलब आइरिश क्या रहता है, सिकुड़ा रहता है। सो पीपल आर लार्ज, सो व्हेन वी केम आउट ऑफ द डार्क प्रोसेस तो ब्राइट लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आइज, ठीक है। तो पीपल लार्ज है तो ज़्यादा घुसेगा, है ना। ये देखिए ये पीपल था और यहाँ पे ज़्यादा, ये ऐसे देखिए ये पीपल था, इससे लाइट ज़्यादा अमाउंट जा रहा है। क्यों, आइरिश उस समय छोटा था, क्योंकि डार्क प्लेसेस में क्या होता है, आइरिश छोटे हो जाते हैं और पीपल बड़ा हो जाता है। देखोगे आप लोग, ठीक है, आँखें बड़े बड़े करके देखते हैं हम लोग, तो पीपल उस समय क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आइरिश सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए वैसा सिचुएशन में आई एडजस्ट रहता है, और जैसे हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं तो वो तो उतना बड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा लाइट उसमें प्रवेश करता है, जिससे हमारा आँख क्या होता है, क्लियर हो जाता है। दैट्स वाई वी क्लियर एट दैट मोमेंट। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम पीपल कॉन्ट्रैक्ट, पीपल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने जगह पे आ जाएगा, एंड वी आर तो अपने जगह पे आ जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही आएगा तो कम, अब क्या हो जाएगा, वो स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, और लाइट अब कम पास करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आफ्टर वी सम टाइम दैट द पीपल कॉन्ट्रैक्ट एंड वी एबल टू सी क्लियरली अगेन एज लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आवर आईज। क्लियर हो रहा है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारा आइरिस बड़ा रहता था, सॉरी पीपल बड़ा रहता तो आइरिस छोटा रहता था, यानी पीपल बड़ा तो अमाउंट ज़्यादा लाइट अमाउंट क्रॉस करेगा अंधेरे में, और वही आँख लेके जब हम उसी कंडीशन में जब हम बाहर आते हैं तो कुछ मोमेंट के लिए हमारा जो आइरिस सॉरी पीपल जो रहता है वो बड़ा रहता है, और पीपल बड़ा रहता है तो ज़्यादा लाइट अमाउंट जाता है, और ज़्यादा लाइट अमाउंट जाएगा तो आँख क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, चौंधिया जाएगा, चमक जाएगा, तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, आइरिश थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और पीपल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीपल इस समय छोटा हो जाएगा, और पीपल का मतलब कम लाइट पास करेगा, तो कम लाइट पास करेगा तो फिर जितना जाना चाहिए था उतना लाइट आता है, तो हम उस चीज़ को क्लियरली थोड़ी देर के बाद फिर देख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसा ही जब हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो होता है उल्टा, और जब उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई, दैट इज़ कोर्ट्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।